हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं HLV स्केल का, ठीक है, जिसका मीन्स होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। दिस स्केल इज गिवन बाय द साइंटिस्ट ग्रिफिन इन 1949। ये मतलब जो एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिन नाम के, तो उसने इस स्केल को बनाया था 1949 ईस्वी में। ठीक है, HLV स्केल इन विच वैल्यू आर असाइनड टू डिफरेंट सर्फेक्टेंट टू देयर नेचर। मतलब इस जो स्केल है इसमें मतलब जो जितने भी मतलब सर्फेक्टेंट होते हैं तो उसको मतलब डिफरेंट डिफरेंट सर्फेक्टेंट को उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको मतलब इंडिकेट किया हुआ है इसमें। HLV वैल्यू ऑफ लेस देन 8 इज इंडिकेट सर्फेक्टेंट इज लिपोफिलिक। जो मतलब स्केल होता है तो उसमें जो ये मतलब आगे हम बताएंगे आपको स्केल में, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जो मतलब लेस देन 8 होता है, जो मतलब 8 से नीचे होता है, उसको लिपोफिलिक बोलते हैं, मतलब ऑयल सॉल्यूबल होते हैं। और HLV वैल्यू ऑफ मोर देन 12 इज इंडिकेट सर्फेक्टेंट इज हाइड्रोफिलिक। मतलब जो HLV स्केल में लेस मतलब मोर देन 8 12 होगा, मतलब 12 से जितने भी ऊपर होंगे, 12 से 20 तक, वो हमारे होंगे हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर सोल्यूबल होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला है HLV हाइड्रोफिलिक अपॉन लिपोफिलिक। तो फ्रेंड्स, जब मतलब HLV में हाइड्रोफिलिक का मतलब जब हाइड्रोफिलिक इंक्रीज होगा तो हमारा HLV भी इंक्रीज होगा। अगर हमारा हाइड्रोफिलिक कम होगा मतलब लिपोफिलिक कम होगा तो हमारा HLV भी कम होगा। ये मैं देखिए मतलब जैसे हाइड्रोफिलिक, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ, हमारा यहाँ है लिपोफिलिक, जो मतलब हमारा 1 से 8 तक है वो हमारा है लिपोफिलिक। ठीक है, तो अगर ये हमारा कम होगा मतलब अगर 8 से कम होता है हमारा, 1 तक अगर आता है इतना बीच में रहता, तो हमारा लिपोफिलिक, तो ये हमारा जो HLV स्केल है तो ये हमारा कम रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लिपोफिलिक होगा। और यही अगर बात करें हाइड्रोफिलिक का, तो ये हमारा देखिए 12 से 20 है, 12 से 20, तो ये हमारा जब बढ़ेगा तो ये हमारा हाइड्रोफिलिक होगा, और इसका मतलब जो स्केल है स्केल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो स्केल है फ्रेंड्स, तो आपको बस इसका जो नंबरिंग है वो आपको याद रखना है, इसका जो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जो 8 से मतलब 1 से जो 8 तक के है यहाँ पे, देखिए मैंने इंडिकेट किया हुआ इसे, ते हमारा हो गए लिपोफिलिक। ठीक है, और जो हमारा 12 से 20 है वो हमारा हो गया हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर सोल्यूबल, और ये लिपोफिलिक मतलब ऑयल सोल्यूबल। और जो 8 to 12 बचा हमारे बीच में, ये होते हैं वाटर डिस्पर्सिबल होते हैं। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं सबका। तो इस स्केल में 1 से 20 तक के होते हैं नंबरिंग। तो देखें 0 से 3 जो रहते हैं हमारे यहाँ, मतलब 0 से 3 जो हुआ ये हमारा हो गया एंटी फोमिंग एजेंट, एंटी फोमिंग एजेंट हो गए। और यहाँ 3 से 6 जो है, यहाँ देख सकते हैं आपने, 3 to 6 वाटर वाटर इंटू ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, जो मतलब वाटर है वो मतलब ऑयल में इमल्सन होने के लिए इस एजेंट का यूज़ करते हैं। जब मतलब कोई ऑयल है, मतलब ये तो लिपोफिलिक है, ऑयल ऑयल सोल्यूबल है, तो इसमें अगर हम वाटर को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के लिए हमें 3 से 6 नंबर है उस एजेंट का यूज़ करेंगे हम। और यहाँ पे देखिए जो 7 to 9 है, यहाँ से यहाँ 7 to 9, तो वो होते हैं वेल्टिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट। मतलब जब कोई भी मतलब ऑयल में मतलब वाटर में मतलब ऑयल नहीं जब इमिसिबल होते हैं, तो उस सिचुएशन में मीन्स हम स्प्रेडिंग एजेंट मतलब 7 से 9 वाले को ऐड करते हैं, तब वो हमारा अच्छे से सस्पेंशन बन जाते हैं। और जो होते हैं 8 to 16, तो ये होते हैं ऑयल इनटू वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट। ये मतलब ऑयल जो है जो वाटर में मतलब इसको मिक्स मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो मतलब एजेंट है वो हमारा है 8 से 16
16 के बीच वाले एजेंट, ठीक है। यहाँ मतलब ये ऑयल हो गया या और ये वाटर हो गया, और ये देख ले सकते हैं यहाँ पे 13 to 16 मतलब 13 से 16 जो हमारे हो गए, ये हमारे हो गए डिटर्जेंट। फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डिटर्जेंट का HLBS स्केल पे रेटिंग पूछता है। तो ये होगा हमारा 13 to 16, और जो बची है लास्ट हमारा 15 to 20, 15 to 20 वो हमारा होता है सोल्युबिलाइजिंग एजेंट, मतलब वो आसानी से घुल जाते हैं क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बस ये याद रखना कि कौन सी रेटिंग पे कौन से एजेंट आते हैं, आप लोग सिर्फ नंबरिंग याद रखनी है बस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे।